हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं भी सर फ्रेंड्स एक नया टॉपिक लेके चल रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन सब कैसे सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। और ये तो पहले हम पहला टॉपिक डिस्कस करूंगा कि साधारण ब्याज कैसे निकालते, फिर उसके बाद हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखें क्योंकि पूरा जब आप टॉपिक पूरा देखेंगे तब जाके आपके पास क्लियर आपके पास पूरा जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, जब ऐसा ही सही पूछता है तो उससे पहले आप लोगों ने अगर जिसने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और क्वेश्चन सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास एक मैं आपको जो जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका वंदरों का एग्जाम है, वंदरों का एग्जाम की जो ई बुक जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस का यानी कि एक वन लाइनर क्वेश्चन पीडीएफ में जल्द ही आपके पास ई बुक में जल्द ही लॉन्च करूंगा, कल या परसों के एक से दो दिन के बीच आपके पास आपको अवेलेबल हो जाएगी और उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा जहाँ से आपको उसको डाउनलोड करना है। साथ ही जो भी मैं आपके पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, तो विद मैंने अपने जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से मैंने उन ट्रिक्स को अपने पास एक पूरा बना के मैंने उन सारे ट्रिक्स को एक पूरे ई बुक के तौर पर मैं आपके पास 1 अप्रैल के आसपास यानी कि नेक्स्ट मंथ तक आपके पास वो भी लॉन्च कर दूंगा ताकि आपका आप टाइम टू टाइम अपने घर बैठे आप पूरी तरीके से कोचिंग कर सकते हैं और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। जहाँ पे आपको डाउट लगेगा आप वीडियो ओपन कीजिए, YouTube चैनल पे आइए मेरे और YouTube चैनल आप देख लीजिए और अपने जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, साथ ही घर बैठे आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, आपने 6-7 में पढ़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, 6-7 में पढ़ा हुआ टॉपिक है और इसका जो फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू P इनटू R इनटू T अपॉन 100। आपके पास का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 जो होता है वो हमारा SI का फॉर्मूला होता है। SI फाइंड कैसे करते हैं, ये मेन तौर पर हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इससे कोई और फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जहां पे SI निकालना होगा या प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम निकालना है, कोई भी क्वेश्चन अगर निकालने के लिए बोलेगा लेकिन हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, क्लियर। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है तो यहाँ पे पहले पी क्या है, पी क्या हमारा होता है प्रिंसिपल, यानी कि आपके पास जो मूलधन बोल सकते हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट टाइम पे जो वैल्यू हमने जमा या जो हमने पैसा जमा किया हुआ है, ठीक है, या उधार लिया जो भी किया हुआ है, ठीक है। आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, किस इंटरेस्ट पे किस ब्याज की दर पे लिया हुआ है, और टी यानी कि कितना समय के लिए कितने टाइम के लिए लिया है अपॉन 100, वो हमारा होता है साधारण ब्याज यानी कि SI। क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास है कि 988 रुपए की राशि पर 988 की राशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या है, इनकी सिंपल सी बात आपको SI फाइंड करना है। SI फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास है, मतलब 988 पी प्रिंसिपल आपके पास हो जाएगा और इंटू आर यानी कि 18% अपॉन टाइम कितना है, ठीक है, 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से, ओके टाइम यहाँ पे इसमें आया नहीं है, तो क्वेश्चन में हमारे पास जो 5 वर्ष है, सॉरी 5 वर्ष का है ना, 18% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का, 5 वर्ष का SI क्या होगा, तो यानी कि T इक्वल टू 5/100, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 25/100 हो जाएगा और आप इसको डिवाइड करना चाहिए यानी कि 10/20 और आपके पास होगा 9/18, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर देंगे आप 98.8 × 9, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाता है 9872 का 27 कैरी, 9872 प्लस 779 97 कैरी, 99 से 81, 81 प्लस 7 88, तो और एक नंबर से पहले पॉइंट है, एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दे से 889.2 रुपीस वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट हर कोई फाइंड कर देगा, जिससे आपको फॉर्मूला रखना उसमें वैल्यू करके कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन को घुमाए फिराए कैसे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 8,500 रुपए साधारण ब्याज की दर पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। 9% वार्षिक ब्याज की दर से कोई व्यक्ति 8,500 रुपए उधार लेता है ढाई साल के लिए, 2 1/2 ईयर, ठीक है, ढाई साल के लिए लेता, तो अंत में कितना धन वापस देगा? देखो अंत में कितना धन वापस देगा, वापस देने रिटर्न करने की बात कर रहा है, जबकि 8,500 उसने उधार लिया हुआ है, 8,500 उधार लिया है ब्याज पर लिया हुआ, तो कितना वापस देगा वो ढाई साल के बाद में? तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो मिश्रधन निकालना है मतलब आपको पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और उसमें मूलधन प्लस कर देंगे, तो ऑब्वियसली क्योंकि देखो मूलधन यानी जो प्रिंसिपल उसने उधार लिया वो तो देगा ही देगा, साथ ही क्या देगा, इंटरेस्ट भी तो देगा जो उसको इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो यानी दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालते कितना होता है, तो 8,500 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 इनटू टाइम आपके पास हो गया 5/100 इनटू 2। अब आप कहेंगे सर टाइम तो 2 1/2 है, तो हमने सोच सीधे मिक्स फ्रैक्शन से उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, इंप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो 2 2 4 + 1 5/2 आपके पास हो जाएगा, तो 5/2 हुआ, तो 2 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, और आपके पास आएगा 85 × 9 5 = 45/2, 85 × 45 आपके पास आ गया और अपॉन 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 85 और 95 को मल्टीप्लाई करना है, 45 को 85 और 45, 55 से 25 का 52 करी, 58 से 40 प्लस 2 42 इनटू 54 से 20 का 02 करी, 84 से 32 और 2 34, ठीक है, तो 5 2 8 3 3 8 2 5, और इसको 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया 1 8, और फिर हमारे पास 9 18, फिर 2 नीचे आएगा 2 1 2, 2 2 4 और 0.5, तो 1912.5 आपके पास क्या जाएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमें पूछने बोली तो हमारे पास ये तो उसका इंटरेस्ट लगा हुआ, इतना इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा देगा और जितना पैसा लिया है, उसने बोला कि टोटल कितना वापस देगा, तो 8,500 में क्या करना है, 8,500 प्लस 1912.5, यानी कि आपके पास उसको वापस देना है 0.5, ठीक है, और 2 1 9 + 5 14 = 4 1 8 और 1 9, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा 1912 आपके पास 0.5 और 8,500 आप उसको देना है 10,412, ठीक है, तो 10,412.5 रुपीज होंगे उसको बाद में जमा करने होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस टाइप का, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको एसआईडी अभी समझा रहा हूँ कि एसआई कैसे निकालते हैं, और थोड़ा सा क्योंकि इजी चैप्टर आपको, इजी टॉपिक आपको लगेगा कि इजी है, ऑब्वियसली है, 6, 7, 8 में क्वेश्चन तो आते ही है ना, ठीक है, 6th क्लास में आप देखेंगे तो क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, लेकिन कैसे क्वेश्चन का टाइप कैसे होंगे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में उपचयित जो एसआई है, यानी कि 6 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट जो उसमें बनता है, कोई भी राशि हो सकती है वो, ठीक है, उसमें कोई किसी राशि बोला है कि इनकी प्रिंसिपल कुछ भी है, ठीक है, ऑन सर्टेन अमाउंट की बात है यहाँ पे बोलिए, कुछ भी वो अमाउंट हो सकता है, ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में उपचयित एसआई 1200 रुपए है, तो इससे 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से एसआई क्या होगा, ठीक है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 8% पर आवर पर ईयर, ठीक है, पर एनम, सॉरी 8% पर एनम 6 इयर्स एसआई विल बी 1200, ठीक है, तो 1200 रुपए उसका है, तो सबसे पहले देखो एसआई क्या आपके पास एसआई 1200 है, तो एसआई हमने 1200 रख दिया, इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं दिया है, ठीक है, बोले किसी धन राशि पर है और उसमें बाद में बोले 3 गुनी राशि, लेकिन पहले राशि निकालेंगे, फिर उसके बाद उसकी 3 गुनी निकालेंगे हम, ऑब्वियसली है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी इंटू आर आपके पास क्या है 8%, टाइम इज 6 ईयर अपॉन 100, ठीक है, तो देखिए स्वयं कैसे इसको कितना हमारे पास आएगा, सिंपल प्रिंसिपल वही चीज देखते हैं हमें, तो हमारे पास सबसे पहले तो 4 से 4 2 8 और 25 4 100 आ जाएगा, ठीक है, 4 से मैंने इसको डिवाइड किया, 4 से इसको भी डिवाइड करते हैं 25 टाइम्स, और 6 2 12 हो गया, और 12 इसको डिवाइड करके 100 टाइम्स आपके पास हो जाएगा, देन p इक्वल टू कितना आएगा 2500, मतलब प्रिंसिपल कितना था, यानी कि 2500 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का ऐसा 1200 रुपए था। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इससे 3 गुनी राशि पर, इससे 3 गुनी, ठीक है, साइज ऑफ द सेम अमाउंट, ठीक है, व्हाट विल बी द एसआई ऑन द रेट ऑफ परसेंटेज 10% पर एनम,
तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से एसआई कितना होगा, जब उसका 3 गुना होगा, तो इसका 3 गुना यानी कि 3p, तो 3 गुना मतलब 7500। अब 7500 पे आपने एसआई फाइंड करना है। अब यहां पे एसआई फाइंड करना है तो आपके पास प्रिंसिपल 7500, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो इसे 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, मिस हो गया पे, 2 वर्ष का एसआई क्या होगा, तो इनटू 2/100। अब जरूरी क्या, आपके पास अलग से कोई 2 वर्ष दिया हुआ हो सकता है, वो बोले कि उतने समय के लिए 6 वर्ष के लिए कितना होगा, तो ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 2 आपके पास हो जाएगा 20, तो 10 2 हो गया 20, और 75 × 20, तो 75 2 होता है 150, और 20 पे मल्टीप्लाई करो तो एक जीरो पीछे से बढ़ा देंगे 1500, मतलब जो उससे 3 गुनी राशि पर जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 1500 रुपए होगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे है, तो एक ही फॉर्मूला हमारे यहाँ पे चल रहा है। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की बात आपका बोलिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए मूलधन का एसआई 25 होगा, ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर, यानी कि आपको प्रिंसिपल निकालना है कितने मूलधन पर, यानी कि प्रिंसिपल पर एसआई 25 रुपीज होगा, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 25 रुपए दे रखा है, पी आपको पता नहीं है, आर हमें पता है, 5% दिया है, टाइम देखो, अब यहाँ पे देखिए टाइम 3 महीने का, अब देखिए मेन जो आपके पास मेन समझाने का जो मोटिव था वो यही चीज थी कि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो 3 महीने का जो था और वार्षिक देखो 5% ब्याज तो हमारा क्या हो रहा है, वार्षिक जमा हो रहा है, ब्याज जो 5% है वो 1 साल का जाता सीधे, लेकिन हमें तो सिर्फ 3 महीने का निकालना है कि 3 महीने का ब्याज कितना हुआ, तो हम इस 3 महीने को पहले वर्ष में चेंज कर देंगे कि 1 साल में इसको चेंज कैसे करेंगे, तो 3/100 × 12, ठीक है, 1 साल में 12 महीने, 1 महीने यानी कि 1/12 वर्ष, और 3 महीने मतलब 3/12 वर्ष, और 3/12 का गुणा कर दे आपके पास हो गया, ठीक है, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आपने देखिए 5×5 25, 5×5 25, और 3×4 12, और 400 × 5 400 × 5 2000, यानी कि P कितना पास 2000 रुपए के जो मूलधन है उस पर जो ब्याज होगा 25 रुपए होगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने का, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ गया 2000, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने समय में 10% का एसआई 6% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने समय में 10000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट 6% वार्षिक ब्याज की दर से 450 रुपए हो जाएगा, कितने समय मतलब टाइम की बात यहाँ पे हो रही है, 10000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज 450 होगा, तो 450 × 10000 × रेट ऑफ इंटरेस्ट आर यानी कि 6%, और टाइम आपको निकालना है अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दीजिए आप यहां से, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसे यहां डिवाइड कर देंगे आप, 6 से डिवाइड हो जाएगा इजीली से, ठीक है, तो 6 से आप डिवाइड करेंगे 7 है ना, 7 6 42, और फिर आपके पास 30 7 5 7 5 30, ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 10000 × 6 × t/100 = जो था आपके पास 450। अभी हमारे पास जो आया हुआ है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसको हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास आया है t = 75/100, ये तो बचा है t = 75/100 बचा हुआ है ना, और 25 से डिवाइड करेंगे 25 3 से 75 25 4 100, यानी कि 3/4 वर्ष, या इसको आप इस तरीके से डिवाइड, या अब देखिए आपके पास ऑप्शन कैसा दिया है वो चीज आप जरूर ध्यान देखिए, अगर उसने 3/4 ईयर दिया हुआ है तो आपका आंसर आ गया, लेकिन अगर उसने मंथ में दिया हुआ तो इंटू 12 कर देंगे हम, तो 3/4 को क्या कर देते हैं हम 3/4 × 12 कर देंगे, तो 4 × 12 मतलब ये कितने महीने का होगा, फिर 9 माह में होगा ये, यानी आपका टाइम क्या आएगा 9 महीने आएगा। अब देखिए आपके पास ऑप्शन किस तरीके से दिया वो आपके पे डिपेंड है, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर किसी भी तरीके से, दो ऑप्शन मैंने पहले बता दिया, ईयर में भी हो सकता है और मंथ में भी हो सकता है, तो अब ऑप्शन किस तरीके से आता है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। यानी कि पहली सिचुएशन का जो ब्याज है, यानी कि जो कितने वर्ष में 3% वार्षिक ब्याज जो है 8000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की दर से 6000 रुपए का 5 वर्ष में हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में भी साधारण ब्याज और पहली वाली सिचुएशन में साधारण ब्याज बराबर है। तो मतलब हमने क्या करना है, कितने वर्ष में की बात हो रही है, तो पहली सिचुएशन में आर दिया 8000 इनटू आर इनटू कितने समय की बात हो रही है ना, कितने वर्ष में आर आपके पास कितना है 3 और इनटू टी आपको निकालना है अपॉन 100 इक्वल टू दूसरी सिचुएशन आपके पास 6000 इनटू आर आपके पास 4 इनटू 5 अपॉन 100। तो दोनों चीज आपके पास उतना ही ब्याज हो रहा है। पहली सिचुएशन में ब्याज जो है वो दूसरी सिचुएशन के ब्याज के बराबर है। दूसरी सिचुएशन की सारी चीज दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और पहली सिचुएशन का आपने टाइम निकाला कि कितने समय में ये जो इसका जो ब्याज होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने दोनों का इसके बराबर रख दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ बराबर में, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, ठीक है। 4 से आप डिवाइड किया 80 टाइम्स, ठीक है, और 20 से आपने डिवाइड किया 63 टाइम्स, और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, टी इक्वल टू से 5 बचा, मतलब 5 साल में जो हो जाएगा जो आपका वो सेम टू सेम रहने जाएगा। देन टी इक्वल टू कितना आया बस 5 ईयर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ए ने बी को 5000 रुपए, ए बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, मतलब है ना, एक ही दर पर उधार दिए और कुल तथा कुल 2200 रुपए ब्याज प्राप्त किया। यानी कि जब ए से उसने 5000 रुपए दिए थे और बी को उसने 3000 रुपए दिए थे, है ना, यानी कि ए ने बी को 5000 रुपए और सी को 3000 रुपए दिए थे, और दोनों को टोटल उसका जो ब्याज मिला जितने भी टाइम उसने दिया था वो कुल 2200 रुपए था दोनों का मिला के, तो प्राप्त ब्याज की राशि क्या थी, ठीक है। यार हमने निकाला कि ब्याज की जो दर क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। तो ए को बी ने 5000 रुपए दिए, तो 5000 इनटू आर इनटू कितने साल के लिए, 2 साल के लिए अपॉन 100 प्लस दूसरी चीज हमारे पास 3000 इनटू आर इनटू टाइम 4 अपॉन 100 4 वर्ष के लिए, एक उसने 2 वर्ष के लिए दिया है, ए को बी, जब बी को दिया तो 2 वर्ष के लिए दिया, जब सी को दिया तो 4 वर्ष के लिए दिया, 5000 और 3000 रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इसलिए हमने आर आर ही रहने दिया इसको, इक्वल टू, अब जो देखो इक्वल टू कितना रुपए मिला है, 2200 रुपए मिला है दोनों का, पहले का जो ऐसा ये है जो सिंपल इंटरेस्ट था, दूसरे का ऐसा ये है, और दोनों को मिला के जो ब्याज मिला है 2200 रुपए से मैंने दोनों को प्लस कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास हो गया 20 से 20 कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 52 से 100 आर प्लस 20 से 20 पहले तो हमने सिंपल एसआई किया, एसआई के बाद हमारे पास जब मंथ में कैसे दिया होगा, जब मंथ में दिया हुआ हो उसको क्या कर देते हैं 3/12 / 9/12 जो भी जितने भी मंथ में दिया उसको अपने उतना से 12 से डिवाइड कर देंगे। अब थोड़ा देखते हैं जब डेज में क्वेश्चन आता है तो डेज में क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन लेके चलता हूं यहां पे, बुक से क्वेश्चन पढ़ के मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 2500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर यानी कि r इक्वल टू 5% की दर से t आपके पास है 219 दिन का ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए मैंने आपको पास r इक्वल टू क्या 5% पर एनम है, 5% पर एनम है, प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक ब्याज की दर जा रही है 5%। तो अगर 5% वार्षिक ब्याज की दर से तो टाइम भी हम क्या लेके चलेंगे, वार्षिक ही लेके चलेंगे। तो हमने क्या किया इसको 3619 को हमने 365 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या करते हैं कि इसको
डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करने पे सिंपलीफाई करो, इसको 219 अपॉन 375 पे सिंपलीफाई कीजिए, थ्री अपॉन फाइव, ठीक है। तो अब आप लगाइए एस आई का फॉर्मूला, देन एस आई इक्वल टू कितना होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 219 इनका हमने निकालना था, तो हमारे पास एस आई हमें निकालना है 2500 इंटू आर फाइव इंटू थ्री अपॉन 100 इंटू फाइव, 55 कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, और 25 3 75। तो 75 रुपीज का जो था वो ब्याज मिला हुआ है कितने दिन का, 219 दिन का, यही आपको क्वेश्चन में निकालना था। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो आपके पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, नहीं आपके पास प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है, और ना ही टाइम दिया होगा, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने वर्ष में कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं के 3 गुनी हो जाएगी या 3 गुनी होगी, ठीक है। कितने वर्ष में, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, तो कितने वर्ष में कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं के 3 गुनी होगी। तो अभी हमारे पास धनराशि तो दी है नहीं, है ना, ना ही टाइम दिया है, सिर्फ ये दिया कि वो स्वयं क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इसको, माना, मान लीजिए ये 100 रुपए जमा किए गए थे, ठीक है, मान लीजिए कितने रुपए जमा किए गए थे, 100 रुपए जमा किए गए थे। अब वो क्या हो रहा है, खुद के 3 गुनी बन जा रही है वो, तो खुद के 3 गुनी मतलब कितनी बन गई राशि, 300 रुपए बन गई, है ना, 3 गुनी है तो 300 बन गए। तो देखो इस टाइम के बीच, अब वो कितना टाइम था वो अभी हमें निकालना था, लेकिन इस टाइम के बीच कितना डिफरेंस आया, इसके बीच में 200 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 200 वृद्धि हुई है ना, 200 तो इंक्रीज हुआ है, 200 इंक्रीज हुआ, और एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 200 कितने साल बाद होगा, डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, मतलब 20 ईयर, 20 साल में जो धनराशि है वो स्वयं के 3 गुनी हो जाएगी, है ना। देखिए 10 का निकाल सकते हैं, 10 का 10% 10 आ जाएगा, 200 कितने दिन बाद जाएगा, तो 10 का देखो 20 दस है 200, तब याद रखो 20 आ रहा है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 20 वर्ष में स्वयं के 3 गुनी हो जाएगी। तो स्वयं के 3 गुनी कितने वर्ष में, 20 वर्ष में हो रही है। तो क्वेश्चन वही देख लीजिए आप, वही क्वेश्चन है, 100 रुपए था, 300 रुपए बन गया, 3 गुनी यानी कि 300, 20 वर्ष में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 200 रुपए की तो इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी तो 200 ही बढ़ा हुआ है ना, 200 बढ़ा हुआ है 20 साल में, तो एक साल में किस हिसाब से बढ़ा हुआ है, 10% के हिसाब से बढ़ा हुआ है, 10% के हिसाब से डिवाइड कर दिया आपने इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई धन 10 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है, तो उसी ब्याज की दर से कितने समय स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन आपके पास, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दो दो चीजें आपको, पहले एक चीज निकालनी होगी, फिर दोबारा से फिर से उस चीज को डिफाइन करना है। तो कोई धन जो है वो 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 200 बन गया वो, दोगुना मतलब 200 कितना बढ़ा है, 100 बढ़ा हुआ, 100 बढ़ा हुआ है ना, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 100 रुपीज बढ़े हुए हैं। मान लीजिए 100 रुपए धनराशि उसने जमा की थी, और कितने समय में 10 वर्ष में वो दोगुनी हो जा रही है, दोगुनी हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा, क्योंकि उसने यही कहा है उसी ब्याज की दर से, अब ब्याज की दर क्या है वो हमें इससे निकल जाएगी, तो 10 वर्षों में 100 रुपए बढ़ रहा है, तो एक वर्ष की ब्याज की दर क्या होगी, 10% हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए पैसा वही था, वही रुपए जो था वो कितने वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा उसी ब्याज की दर से, तो 300 की वृद्धि, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है, 10 से डिवाइड कर लेंगे कितने साल में, 20 वर्ष में वो स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। इजी आ गया मेथड, बहुत इजी है ना, है ना, सभी समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 20% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में, साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है। लेट्स सपोज इट 100 रुपए था, अब वो दोगुना हो जाना मतलब 200 रुपए हो रहा है, 100 रुपए बढ़ रहा है, कितने साल में बढ़ रहा है 100 रुपए, 20 साल में बढ़ा, तो एक साल में कितना बढ़ा, 5% के हिसाब से बढ़ा हुआ है, तो कितने समय में वो स्वयं के 4 गुना हो जाएगा, तो कितने समय में स्वयं के 4 गुना होगा,
तो देखो 100 रुपए था, अब से हमका 4 गुना है मतलब 400, कितना बढ़ा हुआ है 300 बढ़ा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% है, तो डिवाइड कर देंगे इसको, मतलब 60 वर्ष में जो हो जाएगा अगर उसे रेट पे रहा तो 60 वर्ष में उससे हमका 3 गुना हो जाएगा। तो जब हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए होंगे तो आपको ये मेथड लगाना, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखेंगे इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, हो गया। आपके पास नेक्स्ट है कि जब हमारे पास इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पे आपके पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जैसा आपके पास दिया हुआ है कि साधारण ब्याज पर, ठीक है, साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 848 रुपए के ऋण को जमा करने हेतु, 848 रुपए का जो लोन है अमाउंट जो है 848 रुपए, उसे 4 साल में जमा करना है तो कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, मतलब 1 साल में कितना पैसा, यानी कि सीधी बात 1 साल की इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपने एक क्वेश्चन देखिए आप इस चीज को, तो हमें सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए अगर हमने 1000 रुपए का यहाँ पे लोन लिया हुआ है, 1000 रुपए का, ठीक है, तो 1000 रुपए का 10% के हिसाब से अगर लगाएं तो 100 रुपए हमारी इंस्टॉलमेंट बनती है। साधारण ब्याज में जब धन लिया जाता है तो जो इंस्टॉलमेंट होगी वो सेम ही रहती है, चाहे वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो सेम ही रहेगा। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है, लेकिन यहाँ पे ब्याज से ब्याज नहीं लगता है, जो ब्याज है वही रहेगा, ठीक है। जो ब्याज होगा वो जो पहले साल ब्याज लगा होगा वही दूसरे साल भी ब्याज लगेगा, ठीक है, यानी कि ब्याज पे ब्याज नहीं चढ़ेगा, वो आपके होता है साधारण ब्याज, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज में भी ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि मान लीजिए जो 4 साल का जो था इसने, ये 4 साल का था, तो 4 साल इसने 100 रुपए जमा किए, ये हम अपनी तरफ से मान के चल रहे, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, ये हम अपनी तरफ से ट्रिक पे लेके जा रहे हैं उसको, क्लियर। क्या करेंगे, ट्रिक पे लेके जाएंगे इसमें, मान लीजिए जो 4 किस्त है कि 4 साल में चार, क्योंकि बोला ना उसकी 4% वार्षिक ब्याज की दर से 848 रुपए के भुगतान हेतु कितना वार्षिक ब्याज जमा करना होगा, वार्षिक दर से 4 वर्ष में, सॉरी 4 वर्ष में, तो इसमें हमारे पास ईयर नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो साधारण ब्याज को की 12% वार्षिक ब्याज की दर से 944 वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 944 के ऋण को भुगतान के लिए कितना जमा करना होगा, और ये भी ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद। फिलहाल यहाँ पे 4 वर्ष बाद का ही क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपके पास जरूरी नहीं, आपके पास इन क्वेश्चन से भी आएंगे, कितना ब्याज 3 वर्ष का आएगा तो 3 वर्ष का लीजिए, 5 वर्ष का आएगा तो 5 आप 100 5000 बना दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब को लेके चलनी, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि हमें जो पहली बार जो ब्याज जो जमा करना पड़ा 4% वार्षिक ब्याज की दर से था, तो अगर हम 100 रुपए का, अगर हमने 100 रुपए का ब्याज लिया था, 100 रुपए का लोन था, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या था, फिर 4 रुपए उसका इंटरेस्ट बनेगा, तो मतलब जो पहले साल जो जमा हुआ है तो 4 गुना बाकी के 3 साल का जमा होगा, है ना, प्लस अगले साल तो जमा हुआ 4 गुना बाकी के 2 साल का भी इसमें जमा होगा, प्लस 4 × 1 का या 4 × 0 तो 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। तो देखिए टोटल ये हमारा लोन जो था, देखो इस हिसाब से हमारा लोन 1 2 3 4 400 का लोन है ना, हमारे अकॉर्डिंग लोन 400 रुपए का, 100 रुपए हमने जमा किया 4 साल। अब उसमें ब्याज कितना कितना जमा किया हमने, वो चीज देखनी है हमें, ठीक है, ब्याज कितना कितना प्रत्येक साल जमा किया है, पहले साल 12 रुपए जमा किया, दूसरे साल 4 × 8 और तीसरे साल 4 रुपए जमा किया, धन मतलब 12 × 8 × 4 तो कितना हो गया 24 रुपए हो गया, मतलब 400 रुपए का लोन था, 24 रुपए हमने क्या किया ब्याज जमा किया, तो टोटल हमारा जो अमाउंट बना कितना बना 424 रुपए का बना, नहीं बना 400 रुपए का ब्याज था, 24 रुपए क्या बना हमारा इंटरेस्ट बना, उसमें इंटरेस्ट लगा, तो 400 रुपए का इंटरेस्ट लगा, जो 24 रुपए इंटरेस्ट लगा हुआ है तो टोटल कितना पैसा दिया हमने, डेबिट कितनी बनी टोटल की 424 रुपए की बनी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 848 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 848 848 रुपए है, तो एक की फीस कैसे कितनी हो गई 848 बटे 424 मतलब 2, यानी कि जो आपका जो है वो 2 गुना है, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और जो हमने जो किया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 2 गुना है, 2 times में डिफरेंस है, तो अगर ये 2 गुना है तो ऑब्वियसली किस्त भी क्या होगी 2 गुनी होगी, तो हमने क्या किया 100 को 2 से गुणा करना, मतलब प्रत्येक किस्त को कितने की देनी होगी 200 रुपए की किस्त देनी होगी, तब जाके उसका वो जो डेब्ट है लोन जो है वो 848 रुपए क्लियर होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते, अगर समझ में नहीं आता तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 944 रुपए ऋण के भुगतान हेतु वार्षिक किस्त क्या होगी? तो सेम डेट वही हमें कर देना है यहाँ पे 100 100 100, क्योंकि 4 बार है तो 400 ही हम लेके चलेंगे। अगर 5 बार होगा तो 5 बार लेके चलेंगे, 7 बार होगा 7, जितनी बार होगा उतनी बार लेके चलिए आप उसको। अब देखिए, देखिए 12% ब्याज है तो 12 × 3, पहले साल जब जमा किया तो बाकी के 3 का जमा होगा, फिर 12 × बाकी के 2 का, और फिर 12 × 1 का, तो कितना हो गया 12 × 3 = 36, और 12 × 2 = 24, और 12 × 2 = 24, और 12 यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो 36 और 12 = 24 = 36, यानी कि आपके पास हो गया 72, कितना हो गया 72। तो अब हमारे अकॉर्डिंग लोन कितना है, 472 रुपये का है। हमारे अकॉर्डिंग डेब्ट क्या है, 472 है, डेट विल बी 472, और जो हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 944, तो 944 वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे तो 944/472 डिवाइड करेंगे 2 से, आपके पास फिर से ये भी 2 आया, मतलब इसी पर देखिए इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी, ये भी इनटू 2 यानी कि 200 रुपए की होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, सेम डेट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है वो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, और बाकी आप लोग वीडियो में कमेंट में आप जरूर बताएं मुझे इसका आंसर। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2210 के ऋण के भुगतान हेतु वार्षिक किस्त क्या होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि अभी 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाए हैं, वही क्वेश्चन आपके पास इंस्टॉलमेंट का है, बस अभी 7% ब्याज है और 2210 रुपये का आपके पास अमाउंट है। ठीक है, तो कितनी इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो उत्तराखंड वन दरोगा के लिए जो साइंस की ई बुक जो है वो जल्द ही अपलोड हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूंगा, और उसे आप ज़रूर परचेज कर लें और उससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें, और साथ ही जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो सॉल्व करवा रहा हूँ मैथ्स में, इसका भी ईबुक आपके पास जल्दी आने वाला है। तो मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।